ये है अक्षय भगत। अक्षय रहता है वेस्ट बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव बुर्दा में। पूरा इंडिया जानते हैं जिसे साइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम पे। तो आज जान लेंगे हम उनके बारे में। बाल विवाह निर्मूलन संदेश के साथ साइकिल यात्री अक्षय भगत भारत भ्रमण पर निकले हैं। कभी कभी एक अकेला इंसान अपने दम पर पूरे समाज को बदलने की ठान लेता है। ऐसा ही एक संदेश लेकर वेस्ट बंगाल के अक्षय भगत साइकिल यात्रा पर निकले हैं, जो भारत भ्रमण करते हुए बाल विवाह निर्मूलन का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय भगत के वडोदरा पहुंचने पर उन्होंने वडोदरा शहर में भी बाल विवाह निर्मूलन का संदेश दिया। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अक्षय भगत और मैं हूँ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के छोटा सा गांव बुर्दा गांव से। मैंने 5 मार्च 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2019 तक पूरे 401 दिन मैंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। मैंने ये यात्रा की जो बाल विवाह होता है या लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए मैंने ये यात्रा की। मेरे मन में जब मैं छोटा था तो बचपन से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया की यात्रा करूँ। मैंने किताबों में पढ़ा था कि हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है और ये यहाँ पर लोगों का जो प्यार मिलता है, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहा। मैंने सोचा कि क्या वास्तव में आखिर हमारा देश कैसा है, देश के लोग कैसे हैं। हम लोग रोज देखते हैं टीवी पे, मीडिया पे, न्यूज़ पे कि चारों तरफ दंगा है, हंगामा है, ये बात खराब है, ये बात खराब है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और मेरे अंदर इच्छा था कि मैं भारतवर्ष के हर एक जगह पर जाऊँ और लोगों से जानूं कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन क्या है। ये मेरा अंदर इच्छा थी पहले से ही। तो फिर एक समय आया जब मैंने देखा कि हमारे इलाकों में, गांव में बहुत ज़्यादा बाल विवाह होता है और कम उम्र में शादी एक बहुत बड़ा गुनाह है और ये नहीं होना चाहिए और इसको बंद होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने कुछ करने की कोशिश की। मैंने 5 मार्च 2018 से घर से निकला और मेरे पास, जब मैं घर से निकला तो मेरे पास सिर्फ 2000 रुपया था, सिर्फ 2000 रुपया, एक सिंपल साइकिल। और इच्छा था कि मैं कर पाऊंगा एक दिन, मैं निकल पाऊँ। निकलने के बाद मैंने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इतने सारे राज्यों की मैंने यात्रा की और मेरा समय लगा 4 साल 1 महीना 6 दिन। और आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने 1 साल 1 महीना 6 दिन बाद जब मैं पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके लौटा तब भी मेरे पास 2000 रुपया था। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर हमारा देश कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं और मुझे किस तरह से प्यार मिला। सिर्फ मैंने 2000 रुपया लेके यात्रा शुरू की थी 1 साल 1 महीना 6 दिन पूरे भारतवर्ष में साइकिल से बिताने के बाद जब मैं लौटा तब भी मेरे पास 2000 रुपया था। तो ये बड़ा चीज़ मायने रखता है कि ये चीज़ एक एग्जाम्पल है कि आखिर हमारा देश कैसा है। मैंने रास्ते में आने वाले मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, धर्मशाला, इधर रात को रहता था और मैंने आने वाले जो स्कूल है, कॉलेज है, क्लब है, यूनिवर्सिटी है, जिन जगह पर जहाँ पर होता था कहीं ना कहीं मैं एक प्रोग्राम करता था और इसके बाल विवाह के खिलाफ एक अवेयरनेस जगाता था। एक बार मैं राजस्थान में था और मैं पुष्कर से निकला, उसके बाद मेरे पॉकेट में सिर्फ 30 रुपया था, लेकिन 30 रुपया था और मैं सोच नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मेरा 6 महीना हो गया था, 199 98 ऐसा कुछ दिन था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपना जर्नी ख़त्म करना होगा। फिर वहीं से मेरा टर्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जर्नी ख़त्म करना होगा, पर जब मैं पर हुआ नहीं और इतना प्यार मिला लोगों का, कुछ 30 रुपया से करके भी मैं फिर और करके पूरा भारतवर्ष करके मैंने घर आया। बीच में मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया था मैंने उबली बाइसाइकिल क्लब की तरफ से और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस रिपब्लिक डे के दिन। अच्छा, हम लोगों ने बनाया था कर्नाटक हुबली में। ओके, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब कितना पार्टिसिपेट था वहाँ पे? हम लोग 1235 साइकिलिस्ट ने रिकॉर्ड को तोड़ा था। अच्छा, पहले ये रिकॉर्ड बांग्लादेश का नाम था। अच्छा, इंडिया का नाम हुआ। जो देख रहे हैं उन लोगों से भी आवेदन है कि कुछ करने का सोच रखिए
और जिंदगी में बस इच्छा, आपका जो विल पावर है वो अच्छा होना चाहिए, तब कुछ कर पाएंगे। और आइए हम और आप मिलके समाज के जो बुराइयां है उनसे, उनके विरुद्ध लड़ते हैं और एक अच्छा भारतवर्ष बनाते हैं, एक अच्छा पृथ्वी बनाते हैं और आने वाले जो जन्म है उनको एक अच्छा भविष्य देते हैं। तो इसी के लिए मैं अब सोच रहा हूँ, मेरा इच्छा है कि मैं अब पूरे विश्व की यात्रा पर निकलूँ वर्ल्ड टूर पे। तो आप मेरी जर्नी को, वर्ल्ड टूर का जर्नी जो है वो यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ग्लोब टोटल अक्षय और साथ आपको लिंक दिया जाएगा नीचे, देख लीजिएगा, जाइए और वहाँ पर देखिए मेरे कैसे भारतवर्ष की यात्रा की। और मैं चाहता हूँ कि मैं अब विश्व की यात्रा करूँ, वो भी दुनिया को जो अगले जो हमारे भजन में उसके लिए एक अच्छा भविष्य देने के लिए, परिवेश बचाव के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हमको पता है कि कितना बड़ा खतरा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँ साइकिल से और रिचार्जिंग से मैं पूरी दुनिया की यात्रा करूँगा। तो आप लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं साइकिल मैन ऑफ इंडिया, और यूट्यूब में ग्लोब टूर अक्षय और बाकी सारा चीज़। आइए और हम और आप मिलके एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और आप दुनिया को कोई एक मैसेज देना चाहते हो कुछ भी? जरूर, मैं चाहूँगा कि जो हमारे परिवेश के ऊपर जो हम लोग अत्याचार कर रहे हैं या फिर लड़कियों के ऊपर या फिर जो भी चीज़ है, ये दुनिया में सब में प्रेम भाव होना चाहिए, जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा था, जैसा हमारे महापुरुष ने सोचा था, जैसा हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा था, इसे हमारे अब्दुल कलाम जी ने सोचा था, इसे एक भारतवर्ष बनाए, इसे एक दुनिया बनाए। थैंक यू।